नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हमने जनता को जनार्दन के रूप में माना है और उसकी सेवा करना प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना धर्म मानता है कि उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। इस भाव के साथ जब कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो उन कार्यक्रमों के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आप सब जान रहे हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, ये जितने भी दल हैं, इनका कोई नेता नहीं, इनकी कोई नीति नहीं, इनके पास विकास की कोई साफ नियत नहीं, इनके लिए व्यक्ति ही दल है और व्यक्ति ही राज्य है और व्यक्ति ही सत्ता अराजकता पैदा करने का माध्यम बन जाता है। इनके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं। इन्होंने लूट खसोट का जो एक दौर अपने अपने शासन काल में फैलाया है, आखिर क्यों, हम पूछना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने में अगर इनका कुछ भी योगदान होता तो कश्मीर में धारा 370 ही लागू नहीं होती, और अगर लागू कर ही दिया था तो उसको तत्काल हटा देना चाहिए था। गुजर रहा है, 5 वर्ष पहले झारखंड में गरीबों को मकान नहीं मिलता था, शौचालय नहीं मिलता था, रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे, विद्युत के कनेक्शन नहीं मिलते थे, नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, अराजकता थी, नक्सलवाद था, अव्यवस्था थी, गुंडागर्दी थी, लूट खसोट थी, माफिया राज था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में बनने के बाद, केंद्र में मोदी जी का प्रधानमंत्री बना रघुवर दास जी का, झारखंड में मुख्यमंत्री बनना, ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो ये जुड़ाव विकास का माध्यम बनता है। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास का, और सबका साथ और सबके विकास का ये नारा सार्थक होता हुआ दिखाई दिया जब हर गरीब को मकान मिलना प्रारंभ हुआ, को झारखंड में नौकरी मिलना, 50,000 नौकरी की प्रक्रिया तेजी के साथ पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से रघुवर दास जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास की कड़ी का हिस्सा है। और तो और, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए बनी हुई ये योजनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि झारखंड में एक नया बदलाव आया है, विकास का एक नया दौर प्रारंभ हुआ है, और विकास के इस नए दौर को आपको अपने साथ जोड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुई है। संतोष जी किनारे आ जाए, सब बैठे लगे तो प्रेम से मिले भारत।